अरे हर हर महादेव, हर हर एकदम कायाकल्प हेतु एक जानिए नहीं जतक हम सब मिथिलांचल के लोग से कायाकल्प नरेंद्र मोदी जी कायाकल्प कह दिल सबके खूब खुश छे सब खुश छे। हमारे बीच माननीय घनश्याम ठाकुर जी पहुंच चुके हैं, उनका भी जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और आप सभी रेलवे की जो भी पदाधिकारी है आप तैना से खाली कीजिए, चलिए आप अपने यहाँ चलिए, प्रोग्राम में दिक्कत मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर अशोक यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, खबर आसपास में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है मधुबनी स्टेशन पे। मैं आपको बता दूं, अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 508 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसी आधुनिकीकरण में आज हम पहुंचे हैं मधुबनी स्टेशन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग आज पहुँचे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उसका आनंद ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यह कार्यक्रम से मधुबनी स्टेशन का कुछ विकास होगा। मिथिलांचल में ये पहली बार जो है 1947 के बाद पहली बार इस स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। ये अथक प्रयास नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही इस पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है, जिसमें मिथिलांचल में भी 5 रेलवे स्टेशन है, सबका कायाकल्प होने जा रहा है। राम बाबू यादव हरलाखी से। मधुबनी स्टेशन के पूरा उद्धार हो जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी कायाकल्प कह दिलखिन। अठमन जो व्यवस्था छे तकर जो व्यवस्था हो जा रहा है से 100 बरस तक लोग देखते आव वाला जो पीढ़ी छे से आर कहू। एकदम कायाकल्प हेतु एक जानिए नहीं जतक हम सब मिथिलांचल के लोग से कायाकल्प नरेंद्र मोदी जी कायाकल्प कह दिलखिन सबके खूब खुश छे सब खुश छे। दोनों हाथ ऊपर उठा कर लगा तो बड़ा निक लगा। बोलो भारत माता की। रेल से जो यात्री करते हैं उसमें अधिकांश वो गरीब आदमी करते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो तो हवाई यात्रा कर लेते हैं, लेकिन खासकर बिहार के लोग जो बिहार में बेरोजगारी है और हम पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हम सभी जानते हैं कि जब सीजन होता है, मजदूरों का सीजन होता है, तो बिहार से विभिन्न प्रदेशों में बिहार यहां से लेबर जाता है और जब वह स्टेशन पे जाता है तो स्टेशन पर उसको कोई मौलिक सुविधा प्राप्त नहीं होता है, उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलता, सोने के लिए उसको स्थान नहीं मिलता, शौचालय का अभाव होता। अगर वृद्ध को जाता है स्टेशन पे, अगर विकलांग जाता है तो अगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को जाने की आवश्यकता पड़ती है तो वृद्ध और विकलांग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बंधु तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि यह काम इसलिए कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी को देखा है कि कैसे गरीब
तो हम लोग आज पहुंचे थे मधुबनी स्टेशन पर, जहां पर कि हमने अभी आपको सारे कार्यक्रम दिखाया। उम्मीद करता हूं इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इस तरह की खबरें हम लगातार अपने चैनल पे आपको दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।